फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अथर्व आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है किडनीज। जैसा कि आपको पता है, हमारे बॉडी के अंदर दो किडनी होती हैं। अब भारतवर्ष में सर्दी जाने वाली हैं, होली आने वाली है और अब गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला है। गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे जो बॉडी के अंदर किडनीज होती हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं। हम लोग पानी कम पीते हैं, इसलिए किडनीज के अंदर जो है रेता बनने लगता है, पथरी बनने लगती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने लगता है। तो अब हम किडनी को स्वस्थ कैसे रखें, उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है वाटर, साफ पानी, फ्रेश फूड, फ्रेश पानी पीना है हमें। अब वो चाहे नल का हो, चाहे गवर्नमेंट सप्लाई हो, या हमारे यहाँ जो भी साफ वाटर हो वो पीना है। कितना पीना है हमें? दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पीना है। और अगर जो हमारे सैनिक भाई हैं, पुलिसकर्मी भाई हैं हमारे, जो आउट में रहते हैं, धूप में रहते हैं, तो उनको इससे भी अधिक पानी की ज़रूरत होती है, तो वो 1 से 1.5 लीटर और अधिक पानी ज़रूरत के मुताबिक पी सकते हैं। कैसे पीना है ये पानी? थोड़ा थोड़ा करके 2-2 गिलास दिन में कई बार पीना है, एक साथ एक बार में 1 लीटर 1.5 लीटर करके नहीं पीना है। अब हमें किडनी अपनी स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या खाना है, तो खाने में सबसे ज़्यादा हम सब्जियां ज़्यादा खाएं, ऐसी सब्जियां जो हमारे किडनी को स्वस्थ रखें। हमें नॉनवेज बहुत कम खाना है, ना खाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉनवेज का गर्मियों में हमारे किडनी के ऊपर जो है वो बुरा असर पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि सब्ज़ी ज़्यादा खाएं। फलों में कौन कौन सा फल खाएं किडनी को स्वस्थ रखने के लिए? सबसे अच्छा फल होता है वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजा, नाशपाती, ऑरेंज। ये फल हैं जो पानी से भरपूर होते हैं, ग्लूकोज से भरपूर होते हैं, तो इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और ये फल इन दिनों में भी पूरे भारतवर्ष में आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा खीरा सलाद में खूब खाएं, ककड़ी खूब खाएं, ककड़ी भी आने लगी है अब। क्या कम खाना है हमें? चीनी थोड़ा कम खाएं, नमक थोड़ा कम खाएं। इसके अलावा लस्सी, उत्तर भारत के अंदर हमारे सभी जगह लस्सी मिल जाती है, तो कम शक्कर की लस्सी खूब पिएं। छाछ खूब पिएं, दही के साथ जो है नींबू पानी पीना है। नींबू पानी कैसे पीना है? उसके अंदर आप नमक ना डालें, शक्कर ना डालें, पानी के अंदर नींबू डालें और उसे आप खूब पिएं। हमारे दक्षिण भारत के अंदर कोकोनट खूब मिलता है, तो कोकोनट का पानी जो है वो खूब पीना चाहिए। अब हमारे पूरब की तरफ जो है वो सत्तू बहुत चलता है। सत्तू एक ऐसी डाइट है, एल्कलाइन डाइट है, और वो बॉडी को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाती है और उससे हमारी किडनी भी स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, आपको पानी ज़्यादा पीना है, ऐसे फल ज़्यादा खाने हैं जिससे पेशाब ज़्यादा आए। अनार एक ऐसा फल है, उससे भी पेशाब खूब आता है, वो भी किडनी के लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली जो है इस वीडियो का जो मीन है, हमें अपनी किडनी को हाइड्रेट रखना है, किडनी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। अगर हम कोई भी हार्ड वर्क करके आएँ तो सबसे पहले 2 गिलास पानी पिए, फ्रेश वाटर पिए, जो है रखा हुआ पानी ना पिए। अब इसके अलावा अगर हमारे किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कोई हमें समस्या हो रही है, इन्फेक्शन हमें लग रहा है कि हमें इन्फेक्शन हो गया है, UTI पेशाब में जलन हो रही है, तो फिर क्या करना है? देखिए, आयुर्वेद में बहुत अच्छी इसके लिए दवा है, एक सिरप आता है नीली सिरप, आप 10-10 ml 3 बार करके 1 गिलास पानी में घोल के पीजिए दिन में 3 बार, और ये आपकी समस्या जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको समस्या नहीं है
आपको किडनी को स्वस्थ रखना है तो भी आप 10 ml सुबह शाम नीरी सिरप पी सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम साइट्रेट सिरप जो आता है, जिसे एल्कलाइजर भी बोलते हैं, उसका आप सेवन 1 गिलास पानी में 5 से 10 ml सुबह शाम कर सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका बॉडी एल्कलाइज हो जाएगा, आपकी किडनी फिट रहेंगी, आप भी फिट रहेंगे और हमारे सारे भारतवासी फिट रहें, मेरी यही कामना है। अब मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम अगली बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।